गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम यू ऑल इन डिफेंस सर्विसेज अकेडमी शॉप. एंड टूडे, फ्रॉम टूडे वी आर गोइंग टू डिस्कस समथिंग विच इज रियली इम्पोर्टेंट फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन. नाउ तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा, बेसिक आइडियाज लेने वाले हैं अबाउट द नंबर सिस्टम. तो ये नंबर नंबर क्या है? ये नंबर 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 यानी हम लोगों ने आज तक जैसे फर्स्ट स्टैंडर्ड में गए तो एक दो तीन चार पढ़ना शुरू किए, और अभी जैसे आप टेंथ स्टैंडर्ड क्लियर करा चुके हो, क्योंकि आप लोगों को अभी तो टेंथ स्टैंडर्ड के एग्जाम देना ही नहीं है, यानी टेंशन तो वैसे ही कम हो गया. फिर सवाल आता है कि हम लोगों ने क्या नंबर सिस्टम इसके पहले पढ़ी नहीं है? तो बिल्कुल पढ़े हो. यू एवरी वन हैज एन आइडिया अबाउट द नंबर सिस्टम. तो आज हम लोग फिर से वही नंबर्स के बारे में क्यों जानना चाहते हैं? नंबर्स का हमारे डेली रूटीन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है बेटा. अगर मैं बोलूँ कि मुझे भंडारा टू नागपुर जाना है, हाउ मेनी किलोमीटर्स दिस डिस्टेंस इज, मैं काउंट किस में करूँगी? तो नंबर में करूँगी. मैं एटीएम में जब गई हूँ और एटीएम से पैसे विड्रॉल करना है, वो समय पे एटीएम से पैसे विड्रॉल करने के लिए मैं जो बटन्स प्रेस करूँगी वो करने के लिए मुझे ज़रूरत पड़ेगी नंबर्स की. फिर और एक सवाल आया, अगर मुझे कहीं पे जाके हाइट ऑफ माउंटेन काउंट करना है, वो समय पे भी मुझे ज़रूरत पड़ी नंबर्स की. और इसी वजह से नंबर सिस्टम बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाती है हमारे डेली रूटीन्स के लिए. हमें पता होने को ना कि नंबर सिस्टम क्या मायने रखती है इन अवर डेली लाइफ, इन अवर डे टू डे रूटीन. और उसी वजह से टू नो अबाउट द फंडामेंटल्स ऑफ नंबर सिस्टम क्यों जानना जरूरी है? सी, व्हेन वी आर गोइंग फॉर प्रिपरेशन ऑफ एनडीए, जब आप जेडब्ल्यूई की प्रिपरेशन करोगे तो फंडामेंटल्स ऑफ मैथमेटिक्स में सबसे पहले अगर कोई आता है तो वो है नंबर्स. और इसी वजह से ये बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि हमें नंबर्स के बारे में जानकारी हो, हमें पता रहे कि कौन सा नंबर कैसे. और ये नंबर सिस्टम बच्चों ने एक बार अगर करा दिया तो यकीन मानिएगा इतने सारे हमारे पास रास्ते खुल जाते हैं. अगर हमें नंबर्स के बारे में बेसिक है सब, बहुत बचपन से सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड से ही है. काउंटिंग तो हम लोगों ने बहुत पहले से सुने बेटा. सी, नेचुरल नंबर, नैसर्गिक संख्या, ये नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, ये नेचुरल नंबर्स जो कि हम लोगों ने जब हम लोग स्कूलिंग भी शुरू करने के ही रहते तब से मम्मी पापा हमको सिखाना शुरू कर देते हैं, 1, 2, 3, 4. एंड जैसे जैसे ग्रो अप होते जाते हैं, जैसे जैसे हमें नंबर सिस्टम के बारे में जानकारी मिलती है, हमें ये चीज़ इम्पोर्टेंट हो जाती है कि नेचुरल नंबर को डिफाइन करो इन अ मैथमेटिकल वे. तो अगर मैं अभी इस लेवल पे आने के बाद अगर आपको पूछूं अबाउट द नेचुरल नंबर, तो मेनी ऑफ यू आंसर मी, मैडम नेचुरल नंबर उसे कहिएगा विच इज हैविंग द सेट फ्रॉम 1 to infinite. नो, 1 to infinity. ठीक है, इसका मतलब हुआ बेटा 2.5 क्या ये नेचुरल नंबर है? 4/5 क्या ये नेचुरल नंबर है? तो बिल्कुल भी नहीं. नेचुरल नंबर को डिनोट करना वो नैसर्गिक संख्याओं को बताना जो खुद होके आए, जैसे 1, 2, 3, 4 बराबर रिदम में चल रहे, हम लोग कंटिन्यूस चल रहे, ठीक है ना. यहाँ पे इन बिटवीन वाले नंबर्स को हम लोगों ने नेचुरल नंबर्स नहीं बोला. वी कैन नॉट से 2.5 इज अ नेचुरल नंबर, वी कैन नॉट से 3.47 इज अ नेचुरल नंबर. सो विच नंबर्स आर कॉल्ड एज अ नेचुरल नंबर? यो, नेचुरल नंबर्स द काउंटिंग नंबर्स. रिमेंबर दिस वर्ड, नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर्स विच आर 1, 2, 3, 4 and so on. These are called as a natural number. And the set of natural number is usually denoting by the capital N. बोलना मैडम कितना सिंपल सा टर्म आपने बता दिया, ये तो हमको पहले से ही पता था. यस, यू ऑल आर डेफिनेटली नोज दी. पर जैसे मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको बोला था, एनडीए डिफेंस सर्विसेज एकेडमी यहाँ पे बैठी है उसलिए है कि बच्चे को एकदम लोअर लेवल से ग्रो कर सके, कंसेप्चुअल नॉलेज से उठाते उठाते ऊपर जाएंगे बेटा. एकदम ऐसे जाए और बोले यस दिस इज फॉर द JEE एंड दिस इज फॉर द NDA एंड द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, नहीं.
पहले हम लोग एक प्लेटफॉर्म बना के देंगे बच्चे को। नेचुरल नंबर बच्चे को अब तक के पता था, आज भी पता है, फर्क सिर्फ इतना है कि ये मिसिंग होता रहा आज तक। नंबर्स 1, 2, 3, 4 नो डाउट, बट इफ समवन आस्क यू कैन 1.5, 2.7 दीज आर द नेचुरल नंबर्स, सो योर आंसर विल बी नो, दीज आर नॉट अ नेचुरल नंबर्स नाउ, एंड नेचुरल नंबर्स आर यूजुअली डिनोटिंग बाय द लेटर एन। एन के लिए फिर हम लोगों का सेट बनता है। अच्छा, आई एम गिविंग यू द फुल आइडिया अबाउट दिस सेट ऑल्सो, कि लिखना कैसे, सेट में लिखे हुए ब्रैकेट्स का मीनिंग क्या हो जाता है। पर उसके पहले जान लेते हैं थोड़े थोड़े टर्म्स को। नेचुरल नंबर के बाद उभर के आया नेक्स्ट वन, विच इज अ होल नंबर। मैंने काउंटिंग करना शुरू किया, एकदम बेसिक, जो पहला बंदा होगा जिसने एक दो ना तीन चार ढूंढा होगा, वो बंदे ने काउंट करना शुरू किया कि ये एक है, ये दो है, ये तीन है, ये चार है, पांच है, छह है, सात है, आठ है, नौ है। नौ के बाद कौन है? बंदा रुक गया नौ के बाद कौन है के बाद। फिर उसको लगा एक नया इन्वेंशन, फिर आया कि नौ के बाद किसने आने को ना, आफ्टर द नाइन, फिर उसका एक नंबर आने के लिए इंट्रोड्यूस हुआ जीरो। एंड जब हमारे सेट में जीरो लिखा जाता है, दैट टाइम्स नेचुरल नंबर्स, नो डाउट 1, 2, 3 आर, दीज आर अगर कैटेगराइज एज अ नेचुरल नंबर, सो नो डाउट होल नंबर सेट इज आल्सो इंक्लूडिंग विद द नेचुरल नंबर सेट, बट विथ जहां पे क्या रहेगा, कौन एक एक्स्ट्रा आ जाएगा, जीरो। नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग जीरो आर कॉल्ड होल नंबर्स, एंड द सेट ऑफ होल नंबर्स इज डिनोटिंग बाय द लेटर W। When we are solving the questions for NDA, this is very important, my dear. कि sometimes what happen, number 2 belongs to N. Have you any idea about this symbol? कि belongs to माने वो वहाँ पे है। क्या दो natural number के set को belong करता है? तो yes. Similarly, क्या 2 belongs करता है whole number को? तो हमें symbolic form भी पता होना जरूरी है कि इसे whole number कहते हैं, इसे natural number कहते हैं, and this is called as a symbol of belongs to. Belongs to का मतलब होता है वो वहाँ पे है। चलिए फिर natural number में क्या याद रखोगे? All the counting numbers which started from 1, 2, 3, 4 up to the infinity. Whole numbers, again, all natural numbers which are including with, किसके साथ आएंगे? All the natural numbers including 0 is called the whole number. Natural number is denoting by the capital N, whereas natural number is denoting by the W. फिर आया कि number line. Now everyone again having the idea about the number line. बेटा हमको तो line ही पता, हमारी उम्र ही हो गई line वाली। चलिए तो नंबर लाइन में क्या हो गया? व्हेन वी आर ड्रॉ द नंबर लाइन, कैसे है ना, ये चीजें ढूंढने वाले ने बहुत लॉजिक लगा के ढूंढी, हमको वो रेडीमेड मिलते गई है, दैट्स व्हाई वी आर नॉट थिंकिंग अबाउट कि हाउ दे आर डिराइविंग ऑल दिस। पता चला कि एग्जैक्ट पोजीशन पे जीरो है, मिडल पे, और जब मैं जब कहना है कि मैंने कम किया, मैंने ज्यादा किया, लेट सी विद द एग्जाम्पल कि क्या होता होगा वो जमाने में, व्हाट आई से, क्या होता होगा वो जमाने में जब लोगों को गिनती नहीं आती होगी, या क्या होता होगा तब जब लोगों का नंबर के साथ इतना डिटेल में कभी पाला ही नहीं पड़ा। मान लीजिए कि मैं एक शॉपकीपर हूँ, मान लीजिए मैं उस जमाने में सर्वाइव करने वाली अगर एक शॉपकीपर हूँ, तो ऐसा हुआ मेरे साथ एक आध दिन, मैंने दिन भर में कुछ बेचा, और ये बेचते समय मैंने पैसे लिए, साथ ही साथ मैंने पैसे दिए। अभी एट द एंड ऑफ द डे पूरा दिन खत्म हो गया, और दिन के खत्म होते होते फिर मैंने मेरा बुक निकाला जहाँ पे मैंने मेरा हिसाब मेंटेन किया था कि मैंने कितने सामने वाले को दिए, कितने लिए, एंड देन आई वॉज कन्फ्यूज कि एग्जैक्टली मैंने दिए या ने किसको दिए, उसको दिए या उसने मुझे दिए, मैंने लिए तो मैंने उससे लिए या उसने मेरे से लिए। मैं बोल रही हूँ एट दैट टाइम आल्सो यू गेटिंग कंफ्यूज्ड, हो रहे हो ना। सी अगर मैं बोलूँ
कि मैंने 8 रुपीज लिए. आई वॉज लिटरली राइटिंग इन द हिंदी, ओके, एंड 8 रुपीज दिए. ओके, सो 8 रुपए लिए और 8 रुपए दिए. इसमें हुआ क्या कि जब मैं एट द एंड ऑफ द डे इसको काउंटिंग करने बैठी तो आई वॉज कंफ्यूज. लिए यानी क्या? मैंने खरीदने के लिए आए हुए कस्टमर से लिए या उसने मुझसे लिए? दिए यानी क्या? उसने मुझे दिए या मैंने उसको दिए? एंड टू क्रिएट दिस कंफ्यूजन, कौन काम का था, किसके वजह से कंफ्यूजन हुआ? क्योंकि हमको नंबर के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं थी, हम लोग नहीं जानते थे इसके बारे में बहुत डिटेल. फिर हुआ ये कि हम लोगों को एक नया कारनामा मिल गया कि अगर हमने किसी से लिए, इफ वी आर टेकिंग सम रुपीस, टेकिंग सम अमाउंट फ्रॉम समवन, दैट टाइम मेरे पास के अमाउंट में वो ऐड हुए. और जब मैंने मेरे पास के अमाउंट में से किसी को दिए, इट मीन्स उतने अमाउंट में से उतने मनी कम हुए. अभी ये ऐड हुए एंड कम हुए ये बताने के लिए हम लोगों ने फिर करा लिया प्लस एंड माइनस. और ये प्लस एंड माइनस फिर एक नंबर लाइन पे दिखाना बनता. और इस नंबर लाइन पे एग्जैक्ट मिडल पोजीशन पे कौन आ गया बेटा? तो जीरो. और फिर हम लोग जब राइट साइडेड गए, सो ऑन द राइट साइडेड ऑल द नंबर्स कैसे हो गए थे? पॉजिटिव. एंड व्हेन वी आर ऑन द लेफ्ट साइड, लेफ्ट साइड के सभी नंबर्स कैसे हो गए थे? तो निगेटिव. दिस इज अबाउट द इंटीजर्स. नेचुरल नंबर में 1, 2, 3, 4 आया, होल नंबर में जीरो को लेके फिर 1, 2, 3, 4 आया, और इंटीजर्स में क्या आया? तो यहाँ से लेके तो होल नंबर का सेट शुरू हुआ, पर वही नंबर्स अगर निगेटिव साइन के साथ आए, दैट इज -1, -2, -3, -9, -7, तो क्या होने को होना था? इसलिए नया इन्वेंशन आ गया विच इज कॉल्ड एज द इंटीजर्स. एंड इंटीजर सेट ऑफ इंटीजर इज डिनोटिंग बाय द लेटर जेड, सम ऑफ द टाइम्स इट इज डिनोटिंग बाय द आई ऑल्सो. तो अभी मेरे नॉलेज में 3 चीजों का एक्स्ट्रा ऐड हो गया. क्या क्या? कि नेचुरल नंबर हो सकते हैं, एंड नेचुरल नंबर इज डिनोटिंग बाय द लेटर एन. देन अगेन अगर नेचुरल नंबर में जीरो लगा दू तो इंस्टेड ऑफ नेचुरल नंबर दे बिकम्स अ होल नंबर डिनोटिंग बाय द डब्ल्यू. और जब होल नंबर में 0, 1, 2, 3 के साथ -1, -2, -3 का आना शुरू हुआ तो वो खुद कहलाने लगे इंटीजर्स. फिर किसी ने बोला भैया इंटीजर्स को डिनोट करा लेते हैं जेड से, फिर सम ऑफ सेइंग तक इंटीजर्स को डिनोट करा लेते हैं आई से. डिपेंड हो गया ये कि जेड है तब भी वो इंटीजर्स है, एंड आई है देन आल्सो दे इंटीजर्स है. फिर इंटीजर्स में क्या कुछ और कहानी आना बाकी है? तो यस, डेफिनेटली क्या आना बाकी. फिर क्या हुआ कि इंटीजर्स को अलग अलग पार्ट में बांटा गया. उसमें का पहला पार्ट आ गया पॉजिटिव इंटीजर. तो पॉजिटिव इंटीजर्स यानी क्या? जो निगेटिव नहीं वो पॉजिटिव बोलना. सी, पॉजिटिव इंटीजर्स डिनोटिंग एज द आई प्लस विच कंटेनिंग द नंबर्स 1, 2, 3, --, ये क्या होते हैं? वेरी गुड, नेचुरल नंबर. फिर आए निगेटिव इंटीजर्स. निगेटिव इंटीजर्स कंटेनिंग -3, -2, -1 सो ऑन, ठीक है, दिस नंबर्स आर कॉल्ड एज अ निगेटिव इंटीजर्स. फिर आए हम लोगों के पास निगेटिव इंटीजर्स के बाद नॉन निगेटिव इंटीजर. डोंट बी कंफ्यूज माय डियर स्टूडेंट कि मैडम व्हाट इज द डिफरेंस, जो निगेटिव नहीं है वो तो पॉजिटिव बन जाने को होना. नो, जब पॉजिटिव इंटीजर्स है इट मीन्स वो क्या है? तो नेचुरल नंबर्स है. और जब नॉन निगेटिव इंटीजर्स है तो वो कौन है? होल नंबर है. समझिए फर्क, समझिए ये फर्क है दोनों के बीच का, कि जब नेचुरल नंबर है तो वो अलग है, जब
वोल नंबर है तो अलग है, इंटीजर्स है तो अलग है, इंटीजर्स बंदा फिर चार पार्ट में बट गया, और ये चार पार्ट में बटते समय अगर वो पॉजिटिव है तो वो नेचुरल नंबर के सेट को लेके चल रहा, अगर वो निगेटिव है तो नेचुरल नंबर का निगेटिव वाला पोर्शन लेके चल रहा। पर हम लोगों ने इसको नेचुरल इसलिए नहीं बोले कि ये नेचुरल नहीं है, माइनस थ्री माइनस टू वो माइनस बतलाने के लिए कि वी आर मूविंग ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ नंबर लाइन। फिर आया नॉन निगेटिव, फिर से हम लोगों ने कंसेप्ट नहीं बदला, नॉन निगेटिव डजंट मीन पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव में नेचुरल नंबर, नॉन निगेटिव में वोल नंबर, ये फर्क आया। फिर कौन बच गया हमारे पास, तो नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, और नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स में कौन आ गया हमारे पास, फिर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन, जो कैसे है पॉजिटिव नहीं है, निगेटिव पर इंक्लूडिंग क्या फिर से तो जीरो। दिस इज ऑल अबाउट किसके बारे में हो गया, ये ऑल अबाउट द इंटीजर्स। देन आफ्टर वर्ड कहानी शुरू ही बेटा कि ये जो नंबर्स, ये जो नंबर्स है, ये नंबर्स टोटल कितने पार्ट्स के लिए होते हैं, इनकी क्या क्या शाखाएं हमारे पास उपलब्ध है, और हमको इनके हर एक पार्ट की कितने डिटेल में जाके और क्या स्टडी करना है, ये हम लोग पढ़ेंगे इन द नेक्स्ट वीडियो। पर उसके लिए आपको क्या करना होगा, जस्ट सब्सक्राइब अवर चैनल, हर एक दिया हुआ वीडियो, फिर चाहे वो मैथ्स हो, इंग्लिश हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, आपको वो वीडियो देखना होगा एंड जस्ट गेन द नॉलेज एंड टू बिकम एन ऑफिसर इन NDA। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, थैंक यू।